नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों सिंघम अगेन के बारे में आज का वीडियो है। सिंघम अगेन के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि सिंघम अगेन का जो फर्स्ट सॉन्ग है उसके बारे में ये रिकॉर्ड आ रहा है, जो मतलब उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है उस गाने को, और ये गाना आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी खबर ये है। दोस्तों आपको इतना ही नहीं, ये बता दूं आपको कि ये गाना अजय देवगन सर मास महाराजा तथा दोस्तों करीना कपूर के ऊपर फिल्माया गया है, और ये जो गाना है वो एक तरीके से रीमेक होगा। रीमेक मतलब अजय देवगन सर की ही किसी पुरानी फिल्म का एक रीमेक सॉन्ग ये होने वाला है। मतलब उस गाने को जो बहुत ही बड़ा हिट है उस गाने को दोबारा यहाँ पे रीमेक किया जा रहा है, दोबारा बनाया गया, दोबारा रिक्रिएट किया गया है। साथ में इस गाने में अरिजीत सिंह की वॉइस होगी, तो काफी एक बड़ी धमाकेदारी खबर है, बहुत बड़ी खबर रही है कि जबरदस्त गाना हमें सुनने को मिल सकता है, बड़ा हिट सॉन्ग। कौन सी फिल्म का होगा, कौन सा गाना हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन रिपोर्ट मेरे पास नहीं है तो मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन इस गाने को रामोजी राव फिल्म स्टूडियो हैदराबाद ने पिक्चराइज किया गया है, और ये गाना आपको बहुत जल्द सुनने को मिल सकता है, ये खबर आ रही है। अब देखते हैं कि पहले ये टीजर जारी करते हैं या ये सॉन्ग जारी करते हैं। कुछ ना कुछ आने वाला है, जल्दी आने वाला है, इसी महीने में कुछ ना कुछ आने वाला है, ऑफिशियल पोस्टर, मोशन पोस्टर, सॉन्ग या फिर टीजर, कुछ ना कुछ सिंघम अगेन की बड़ी अपडेट यहाँ पे इस साल सॉरी इस महीने आने वाली है, और अक्टूबर में आपको टीजर देखने को मिलेगा। अक्टूबर के 10 अक्टूबर से पहले पहले फिल्म का टीजर आपके सामने आने वाला है, क्योंकि यह तो कन्फर्म हो गया कि फिल्म 1 नवंबर को आ रही है, फिल्म पीछे नहीं हटने वाली है। और इसके अलावा भूलभुलैया 3 भी उसी दिन आ रही है, अभी तक तो यही रिपोर्ट है। तो अब देखते हैं किस तरह से मतलब दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर प्लेस करती है, किस तरह से आगे चलती है। फिलहाल सिंघम आगे चाहे बुक माई शो हो या फिर IMDB हो या दोस्तों अन्य जगह कहीं पर भी हाइप की आप बात करेंगे, डेफिनेटली सिंघम आगे भूलभुलैया 3 से आगे है। बाद में इनको जो थोड़ा बहुत क्लेश है वो कांगवा से भी मिलेगा, क्योंकि कांगवा भी रिलीज हो रही है, साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो रही है, अभिषेक सुजीत सरकार की फिल्म रिलीज हो रही है 14-15 नवंबर को, तो इनसे थोड़ा कंपटीशन जरूर मिलेगा। हालांकि कांगवा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हिंदी बेल्ट में कैसा कलेक्शन करती है, बहुत बड़ी फिल्म है, साउथ में तो कमाल करेगी वो, लेकिन यहाँ हिंदी बेल्ट में कैसा कलेक्शन करती है इस पर बाकी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलिए।